हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि अपने यूट्यूब चैनल में अपना फ़ोटो का लोगो या अपने चैनल के नेम का लोगो कैसे बनाएंगे। तो हम लोग को सिंपली एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो छोटा है, जिसे एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल एप्स। आप इजीली क्रोम पे या जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसे आप अपने प्रोफेशनल लोगो कैसे बना सकते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए हम अपने पिक्सल लैब पे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो हम लोग को सिंपली अपने पिक्सल लैब ओपन करना है। हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बनेगा। चलिए हम लोग वीडियो अपना शुरू करते हैं। अगर आप लोग के पास पिक्सल लैब्स होगा तो आप लोग को खोल लेना है, अगर नहीं होगा तो प्ले स्टोर या क्रोम से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका दे दूंगा कि आप वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों का कुछ नोटिफिकेशन ओपन होगा पिक्सल लैब का। तो हम लोग कुछ सिंपली अपने यहां नीचे दे रहा है ए वाला आइकॉन, ये लिखा हुआ है, इस पर हम लोग को सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे, स्क्रोल डाउन यहाँ दे रहा है फ्रंट, आप लोगों को देख सकते हैं जहाँ ए भी दिया है छोटा वाला, उस पर हम लोग क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग को जिसमें लिखना है वैसा आप लिखेंगे। तो मान लीजिए मैं आप लोगों को बताने के लिए कैसा भी ले रहा हूँ, मान लीजिए हम लोग इसको ले लेते हैं और उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट एक्स है, जो हम लोगों को सिंपली इसके बाद क्या करना है, सिंपली हम लोगों को यहाँ पर खोजना है एडिटिंग, यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन दे रहा है एडिट, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को मिटा देना है। उसके बाद आपका चैनल का जो नाम फर्स्ट होगा उसको लिख लेंगे, मान लीजिए मैं डी लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद डन कर देंगे, ओके कर देंगे। आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह का आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा बड़ा हो गया है। उसके बाद हम लोगों को पेंडिंग के ऑप्शन खोलना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप पेंडिंग, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद ऊपर वाला को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इधर थोड़ा जगह हो जाए। उसके बाद नीचे वाले को नहीं ले लेंगे, आप देख सकते हैं इसको सही कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को इसको कॉपी कर लेना है सिंपली। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पे एडिट पे जाएंगे हम लोग, एडिट पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरा लास्ट का नाम उसके बाद पी है, मैं पी टाइप कर लूँगा, फिर डॉन्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ले आके सिंपली इसके बगल में कर लेंगे हम लोग, आप देख सकते हैं डी पी हो गया ये हाँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया हम लोगों का सिंपली। उसके बाद हम लोग को इस पे आना है बीच वाले पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया है सेव, सेव वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपको रखना है जैसा चाहते हैं वैसा, तो मैं गोल वाला ले लेता हूँ। उसके बाद इसको कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है ओपेसिटी, ओपेसिटी को हम लोग जीरो कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग, नीचे आने के बाद हम लोग इसको 25 तक रख लेंगे। इसको हम लोग बड़ा थोड़ा कर लेते हैं, कलर अच्छा लगे हम लोगों को, मान लीजिए मैं 25 रख लेता हूँ। उसके बाद इसको बीच में कर लेंगे, थोड़ा अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, मान लीजिए इसको हम इस तरह कर लिए। उसके बाद हम लोग को नीचे जाना है, कलर में जाना है, कलर मान लीजिए हम लोग देख सकते हैं। करने के बाद हम लोग यहाँ से नीचे कलर पे जाएंगे, तो हम लोग मान लीजिए इसको वाइट कर लेते हैं। तो इस तरह सिंपली आप स्क्रीन करके स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर हम लोग वाइट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद सही वाला ट्रिक पे हम लोग टिक कर देंगे। आप देख सकते हैं हम लोगों का सिंपली इस तरह हो गया है। उसके बाद आप लोगों को ये वाला जो आइकन दे रहा है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से लॉक कर देंगे कि हम लोग अपने स्क्रीन पे कोई भी काम करें तो हम लोगों का ये हिले ना। अब देखिए हम लोगों का कुछ भी करेंगे तो हिले नहीं रहा है अब।
उसके बाद हम लोगों को इसके लोगों का काम जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग को सिंपली हमें डाउनलोड करके रखा है, आप लोग को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए उसको लगा लेते हैं। सिंपली हम लोग प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्म गैलरी पर जाएंगे, उसके बाद हम लोग गैलरी खुल गया, उसको रन करेंगे। उसके बाद कुछ हमारा ये है, इसको पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सही वाला ट्रिक पर टिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग कर लेंगे। हम लोग का ये सिंपली हो गया है। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे लास्ट में, उसके बाद यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ब्राइटनेस में, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा कम कर लेंगे या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं इस पर रख देता हूँ, उसके सही का ट्रिक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को टेक्चर में जाना है, टेक्चर हम लोगों का आप लोग देख सकते हैं, ये वाले में हम लोगों का यहाँ पर नीचे दे रहा है टेक्चर टेक्स्ट स्टोर, इस पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम लोग गैलरी वाले आइकन पे क्लिक कर सिलेक्ट कर लेंगे, आपको इसका जरूरत पड़ेगा, मेरे पास लिंक दे देंगे नीचे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग सही कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको इनेबल कर लेंगे, इनेबल सही टिक कर लेंगे, आप देख सकते हैं हो गया। अगर आप चाहें तो इसका कलर भी थोड़ा यूनिक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं शैडो का आइकन आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इनेबल कर देंगे, उसके बाद कर लेंगे। उसके बाद साइड इस पर आएंगे, इसको भी इनेबल कर लेंगे, इसको भी इनेबल कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं हम लोगों को इस तरह बन के तैयार हो गया है। अब चाहें तो अभी इसको और यूनिक बना सकते हैं, कलर फुल कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इसको कर लेंगे, चाहें तो इसको दो कलर में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली सादा आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। आप इस तरह अपने चैनल का लोगो बना सकते हैं सिंपली। आप चाहें तो मैंने जो डीपी का लगाया है वाइट किया है, आप चाहें तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली वाइट करके आप लोगों को सिखाने की कोशिश किया हूँ। आप इस तरह अपने चैनल का लोगो बना सकते हैं सिंपली, कितना इजी है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हम बताएँ करेंगे तो आप लोग को इजीली हो सकता है, और चाहेंगे तो आप लोग इससे भी यूनिक बना सकते हैं। समय देने का बस इस पर ज़रूरत है थोड़ा, तो ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं सही से बता नहीं पाया हूँ पूरी तरह। चाहेंगे तो अपने लोगों का कलर भी चेंज कर सकते हैं, और टाइटल वाला ऑप्शन भी दूसरा सिलेक्ट करके आप चाहें तो अपना नाम भी टाइटल में दूसरे साइड से लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह बनाने के बाद सिंपली हम लोग को सेव कैसे करना है ये जानते हैं। हम लोग को सिंपली अपने यहाँ पर देख सकते हैं शेयर वाला जो आइकन आ रहा है, इस पर हम लोग को सिंपली क्लिक करना है। उसके यहाँ दे रहा है फॉर्मेट करके आ रहा है जो जेपी, उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, वहाँ पर पीएनजी पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएँगे, नीचे ऊपर देखिए आप लोग यहाँ पर दे रहा है सेव टू गैलरी, आप लोग सिंपली सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो हम लोग का तन पिक तन जाके गैलरी में सेट हो गया है, आप लोग वहाँ से जाके आप इजीली अपने लोगो बना सकते हैं। अगर चैनल आपको आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बेल आइकन ज़रूर दबाना। अब अगले वीडियो में हम लोग आपको बताएँगे कि अपने चैनल का बैनर कैसे बनाएँ, जो आप लोगों के पीछे चैनल का बैनर रहता है उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस पर आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा भाई।